जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस अभियान जो सिंजेंटा कंपनी का एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, इसलिए हमारी भूमि, पर्यावरण व फसलों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये 100% सेफ है। यदि फसलों पर इसकी ज़्यादा डोज भी लग जाती है तो भी फसलों पर कोई हानि नहीं होती है। इस अभियान में अमीनो एसिड के साथ साथ पोषक तत्वों का भंडार होता है। इस अभियान के फसलों पर फायदों की बात करें तो पौधों की ग्रोथ में वृद्धि करता है व प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे फसलों में फल फूल अधिक आते हैं। फलों के साइज को बढ़ाता है, फलों के रंग को गहरा करता है और फलों को चमकदार बनाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिससे पौधे में अधिक भोजन बनता है, पौधों का विकास अच्छा होता है। यदि आपकी फसल में फल या फूल झड़ने की समस्या है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये फल फूल को झड़ने से रोकता है। सर्दी हो या गर्मी, फसलों में अच्छा काम करता है। यदि आपकी फसल में सर्दी की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, फसलों में ग्रोथ होने लगेगी। इसी तरह से यदि गर्मी की वजह से आपकी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ये गर्मियों में पौधे को ठंडक प्रदान कराता है और सर्दियों में पौधे को गर्मी प्रदान कराता है। ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे फसलों में कीट व बीमारियाँ कम लगती हैं। यदि आपकी फसल किसी कीटनाशक के ज़्यादा इस्तेमाल से झुलस गई है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फसल आपकी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल कैसे करें। इसे बियॉन का हम किसी भी कीटनाशक या फफूंदी नाशक के साथ स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही इसका स्प्रे सभी सब्जी वर्गीय फसलों व अनाज वाली फसलों के साथ साथ सभी फल वाले पौधों पर कर सकते हैं। इसको हम स्प्रे के साथ साथ पानी के साथ ज़मीन में भी चला सकते हैं। स्प्रे के लिए हम 30 ml दवा को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं, और यदि पानी के साथ खेत में चलाना है तो 400 से 500 ml दवा प्रति एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त रहती है। इसका यदि मार्केट प्राइस की बात करें तो 500 ml का जो पैकिंग का प्राइस है वो 650 रुपये के आसपास होता है, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। तो एक एकड़ में इसका जो खर्चा आएगा आपको 500 रुपये के आसपास आता है, और यदि आप एक लीटर की पैकिंग में लेना चाहते हैं तो आपको लगभग 1100 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।